नमस्कार साथियों, राम राम। सारे किसान साथियों, भाजपा की सांसद कंगना रनावत जो अभिनेत्री भी है, उसने किसान आंदोलन को अपमानित करने का काम शुरू कर दिया। फिर से उसने फिर से किसानों को बलात्कारी, किसानों को हत्यारा और तमाम अन्य आरोप किसानों पर लगा है, किसान आंदोलन पर लगा है। यह बोल कंगना रनावत के हैं, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो सब नरेंद्र मोदी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। ये पहली बार नहीं हुआ है। ये किसान आंदोलन के दौरान भी कंगना रनावत में लगातार किसान महिलाओं को, किसान आंदोलन आई हुई महिलाओं को गाली देने का काम किया, किसानों को गाली देने का काम किया, और अब तो इसने हद ही कर दी है। और इसका जो भी परिणाम होगा वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इस देश के किसान का अपमान पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा, और इसका माकूल जवाब हरियाणा के अंदर किसान समुदाय देगा, महाराष्ट्र में किसान समुदाय देगा, झारखंड में किसान समुदाय देगा, कश्मीर में किसान समुदाय देगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति मात्र अडानी और अंबानी को जमीनें देना, किसानों की जमीन छीनना, किसानों के संसाधनों को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी पिछले लगातार 10 वर्षों से कर रही है। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, इसके पहले झारखंड में जब रघुवर दास थे उन्होंने भी किसानों और आदिवासियों के ऊपर गोलियां चलाने का काम किया, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी सेब के किसानों को किस तरीके से उनको छला गया, ये सारा बात सारी बातें सबके सामने हैं। तो यह जो चीजें हैं, ये जो कर्नल रावत ने बोला है, यह लोग इन लोगों की नजर में किसानों की का चित्रण कैसा है, किसानों का चरित्र हनन हमेशा करते हैं, किसानों के बारे में क्या भारतीय जनता पार्टी सोचती है, आरएसएस क्या सोचती है, यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कंगना रनावत की बात। और यह कंगना रनावत ने नहीं बोला, यह नरेंद्र मोदी ने बुलवाया है। कंगना रनावत एक अभिनेत्री है और उसका काम पिक्चरों में काम डायलॉग लिखकर दिए गए डायलॉग को बोलना है, और यह डायलॉग आरएसएस ने दिया है, नरेंद्र मोदी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। कंगना रनावत बस मौखिक रूप से बोल रही है, इसके पीछे सारी जो शक्तियां हैं वह सारी शक्तियां, उसके पीछे सारी शक्ति मोदी है, अडानी है, अंबानी है, आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं देश के किसानों से यही आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करें। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भी आए तो उनसे एक ही सवाल पूछें कि यह बताओ कि किसान क्या है, किसान आंदोलन के दौरान भी तुमने किसानों को आतंकवादी, माओवादी, खालिस्तानी, नक्सली क्या क्या कहा था, और अब तुमने जो है शुरू कर दिया है ये बातें करना कि किसान जो है, किसानों को तुम बलात्कारी बता रहे हो, हत्यारा बता रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ये जो अपमान किसानों का कर रहा है ये अब सहन नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। जय